लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के मद्देनजर जीवनदीप समिति की ओर से कैंटीन शुभारंभ किया गया, जिसमें नाश्ते से लेकर भोजन तक की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को नाश्ते और भोजन के लिए परेशान होना पड़ता था। भोजन के लिए मरीजों के परिजनों को सुपेला चौक के आसपास संचालित होटलों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसके मद्देनजर अस्पताल परिसर में कैंटीन की मांग काफी वक्त से की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हो सकी है। यहां सर्व सुविधा युक्त कैंटीन का संचालन शुरू किया जा चुका है, जिसमें नाश्ते दूध भोजन की उपयुक्त व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। कैंटीन संचालन की जानकारी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर प्याम सिंह ने दी। जी सर, सही बात है कि कैंटीन कल का शुभारंभ हो चुका है, क्योंकि ये कैंटीन जीवनदीप समिति के अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन में, विधायक महोदय विद्यारतन भसीन जी के अनुमोदन से हुआ है, और उनमें मनोनीत सदस्य के द्वारा ये पारित किया गया है कि यहाँ पे आने वाले मरीज हैं जिनको चाय, नाश्ता, अन्य भोजन वोजन की व्यवस्था यहाँ आसपास ही मिल जाए, उसकी सुविधा को देखते हुए विधायक महोदय ने इनका अनुमोदन किया है। बहरहाल कैंटीन का संचालन शुरू होने से भर्ती मरीजों और परिजनों को राहत मिली है। कैंटीन की साफ सफाई सहित खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता बनाए रखने, पर्याप्त मॉनिटरिंग किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।